इनके लब रंगी की मिठावर थी के जिसने वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ऑनलाइन गोल्ड ख़रीदना, जैसा कि बहुत सारे वेबसाइट या कंपनियां ऑनलाइन सेल करती हैं, तो उसको ख़रीदना और फिर उस पर मुनाफा कमाना, यानी जब उसके दाम बढ़ जाएं तो उसको बेच देना, ये कैसा है? जबकि ये गोल्ड जो है हमारे पास आता नहीं है, यानी आप शायद ये कहना चाहते हैं कि हार्ड फब में नहीं आता हमारे पास, नॉर्मली वो हमारे जो है अकाउंट में रहता है, वॉलेट टाइप अकाउंट होता है तो उसमें रहता है जितने का हमने गोल्ड ख़रीदा, और फिर जब रेट बढ़ते हैं तो हम उसी में से उसको हाथों हाथ सेल कर देते हैं, ना दुकान पे जाने की ज़रूरत। और तो क्या इस तरह कर सकते हैं जबकि सोना हमारे पास आया नहीं और इसको बेच के नफ़ा कमा लिया गया? तो इस किस्म की ट्रेडिंग ऑनलाइन गोल्ड में होती है। तो ये जो ऑनलाइन गोल्ड ख़रीदना और बेचना है, यानी ख़रीद के नफ़ा लेकर बेचना या नुकसान में बेचना, ये जायज़ है, इसमें किसी किस्म की कोई ख़राबी या हर्ज वाली बात नहीं है। अगर गोल्ड में आपको लगता है कि इन्वेस्ट करने से बेनिफिट होगा तो आप उसको ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं, अपने अकाउंट में रखें, जब आपका मन हो उसको बेच सकते हैं, अगर फ़ायदा मिले तो वो पैसा आपके लिए जायज़ है। ये किसी भी चीज़ को ऑनलाइन ख़रीदना और बेचना, यानी अपने सामान ही को ख़रीदना बेचना है, और सोने में तिजारत कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो इसलिए ऑनलाइन जो है किसी भी एप्लीकेशन के ज़रिए से अगर गोल्ड ख़रीदा जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ख़रीद सकते हैं और जब दिल हो उसको बेच सकते हैं, इसका पैसा भी जायज़ है, इसका नफ़ा भी जायज़ है। पुराने